देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कंगना रनावत के बयान पर झुकना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे आपको, देश के किसानों से माफी मांगते हुए किसानों ने भी अपना आदेश जारी कर दिया। बताएंगे क्या कुछ कहा है किसानों ने दोस्तों, किस तरीके का अल्टीमेटम दिया इसके साथ में जिस राज्य में गठबंधन करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, वहां पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया। बताएंगे कौन कौन किन किन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगा दोस्तों, और कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। सासा मोदी ने किया था छत्रपति जी महाराज के मूर्ति का लोकार्पण, लेकिन अचानक से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया। ये मूर्ति बताएंगे दोस्तों करोड़ों का है पूरा मामला, और भारतीय जनता पार्टी आला कमान के खिलाफ अपने ही कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। बताएंगे 4 जून के इलेक्शन रिजल्ट के बाद से क्या बीजेपी आला कमान को अब भाजपा के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है, जोरदार तरीके से किया गया है आंदोलन दोस्तों। इसके बाद बीजेपी को अपने कैंडिडेट के लिस्ट भी वापस लेने पड़े हैं, साथ साथ बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं दोस्तों। पुलिस ने लाठी चार्ज भी की है। महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कंगना रनावत को बिना शर्त माफी मांगना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय संविधान जय किसान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री और मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली बड़बोली नेत्री कंगना रनावत ने एक बार फिर से बड़बोलापन दिखाते हुए एक इंटरव्यू के दौरान देश के किसानों के आंदोलन के खिलाफ आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रतिक्रिया देते हुए बयान देते हुए कहा कि यह बेहद दुखद है कि आदतन किसानों का अपमान करने वाली इस सांसद ने अब भारतीय किसानों को हत्यारा बलात्कारी साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहने की हदें पार कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा, आश्चर्य बात नहीं है कि ये सांसद इस तरह के बयान दे रही है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर SKM के नेतृत्व में किसानों के ऐतिहासिक कॉरपोरेट विरोधी आंदोलन का अपमान करना और उसे बदनाम करना भाजपा के लंबे समय से चली आ रही नीति का नतीजा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपमान और उकसावे के बावजूद हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों और कॉर्पोरेट समर्थक नीति के खिलाफ किसानों का विरोध शांतिपूर्ण और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूप होता रहे, लेकिन बार बार किसानों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं, तथ्यात्मक तौर पर गलत बातें कही जा रही है। भाजपा ने कंगना रनावत के बयान से अपने आप को अचानक से अलग कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि किसान आंदोलन के संदर्भ में कंगना रनावत द्वारा दिए गए बयान पार्टी की राय नहीं है, कंगना रनावत के बयान से बीजेपी असहमत है, कंगना रनावत को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बयान देने की ना तो अनुमति है और ना ही वह इसके लिए पार्टी की ओर से अधिकृत है, पार्टी की ओर से उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वो भविष्य में इस प्रकार के बयान ना करें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफिशियल बयान देकर कंगना रनावत के बयान का खंडन किया गया है और इसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का बयान बीजेपी ने पहली बार दिया है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 जून का रिजल्ट अब याद आने लगा है, क्योंकि यही वो बीजेपी है जिसके नेता दिन रात किसानों को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे। कोई उनको प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी बता देता था, कोई आतंकवादी, कोई पाकिस्तानी समर्थक बता देता था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब क्योंकि मोदी की नहीं NDA की सरकार चल रही है, इसीलिए भाजपा के लोग कंगना रनावत के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर एक दिन में ही पलटी मार रहे हैं और बयान देते हुए अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि हरियाणा के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, तो भाजपा नुकसान से बचने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि बीजेपी ने पहले ही इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है कि अब तमाम सर्वे के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय जनता कह रही है, और अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया गया है साफ शब्दों में कि कंगना रनावत को बिना शर्त माफी मांगना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिए गए बयान पर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना था, अब इसे लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। सलमान खुर्शीद और KC वेणुगोपाल ने NC के नेता फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इसके बाद सीट के बंटवारे को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार NC पार्टी 90 में से 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 32 सीटों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लड़ने वाली है। 5 सीटों पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। 1 सीट लेफ्ट पार्टी को दी गई है, 1 सीट पैंथर पार्टी को दी गई है जो जम्मू कश्मीर की सीट होगी। साथ साथ दोस्तों करोड़ों रुपए खर्च करके छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल मूर्ति लगवाई गई थी, दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी CM से लेकर CM सब मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक इस मूर्ति को भी खा गई है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर में जिस मूर्ति का उद्घाटन किया था वो खंड खंड होकर गिर गया है, भ्रष्टाचार की दीमक की चपेट में आ गया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों, वो भी महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि अब जनता को पता चल चुका है कि किस लेवल का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कि मोदी जिस मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं उस मूर्ति में भी भ्रष्टाचार करके उसे पूरी तरीके से कमजोर बना दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये मामला काफी गंभीर है और
नरेंद्र मोदी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम ले रहे हैं कि 21st सेंचुरी के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये उन्हीं में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बोगस साबित हुआ है एकदम। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जब से मेजोरिटी से नीचे आ गई है और अल्पमत की सरकार चला रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की बातें भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, 44 कैंडिडेट की लिस्ट सामने आई थी, ऐसा लग रहा था कि सब मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के फैसले का जोरदार विरोध किया गया, जगह जगह पर विरोध देखने को मिला। इसके पीछे कई सारे बड़े कारण थे। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि बाहर से बुला बुला के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता 20-25 साल से काम कर रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा, 44 कैंडिडेट की लिस्ट को वापस लेकर बीजेपी ने मात्र 16 कैंडिडेट की लिस्ट अब जारी की है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। इंजीनियर राशिद जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP जम्मू कश्मीर विधानसभा में करीब 3 दर्जन उम्मीदवारों को उतारने जा रही है, जिससे संभावित चुनाव में 4 कोड़िया मुकाबला हो सकता है। उन्होंने 24 के चुनाव में उमर अब्दुल्ला को भी हरा दिया था लोकसभा चुनाव में, और अब उनकी पार्टी और भी चुनाव लड़ रही है, और भी कैंडिडेट को मैदान में उतारकर देखते हैं इससे क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर बीजेपी में छिड़ा संग्राम, जहां जहां पार्टी ने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया था लगभग हर जगह विरोध देखने को मिला है। दोस्तों समर्थक जम्मू कश्मीर बीजेपी कार्यालय पर पहुंच गए और जोरदार तरीके से विरोध किया गया। दोस्तों साथ साथ हरियाणा बीजेपी की ओर से एक इंटरव्यू का कुछ क्लिप शेयर किया गया है, इसमें जो बातें कही गई है दोस्तों उससे ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी ने नॉन स्टॉप विकास किया है। दीपेंद्र हुड्डा की इस बात को हरियाणा बीजेपी की ओर से एक क्लिप शेयर करके माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की गई है। 1:11 का एक क्लिप है। इस पर हरियाणा कांग्रेस की ओर से रिप्लाई देते हुए कहा गया कि ना मुन्ना ना हरियाणा में ये क्लिप काटू काम नहीं चलेगा, पूरा यहां सुनो और मालवीय को भी सुनाओ। हरियाणा बेरोजगारी नॉन स्टॉप है, हरियाणा क्राइम और नशे में नॉन स्टॉप है, हरियाणा में गरीबी और किसान उत्पीड़न नॉन स्टॉप चल रहा है, महिलाओं और दलितों के उत्पीड़न के नॉन स्टॉप मामले सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर दीपेंद्र हुड्डा के वीडियो का एक छोटा सा क्लिप वायरल कराया जा रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जबकि पूरे इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर लताड़ा है, और अब हरियाणा कांग्रेस की ओर से करारा जवाब भी दिया गया। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में बीजेपी के पास जीतने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है, यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की कोशिश करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर दिग्गज नेता अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ताल ठोकते नजर आएंगे। बड़े बड़े फैमिलियों से आने वाले बड़े बड़े नेता जो कभी सांसद के पद से नीचे नहीं उतरते थे, अब उनको विधायकी के चुनाव लड़ने पड़ेंगे। प्रदेश चुनाव समिति ने 3 केंद्रीय मंत्री जिसमें मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत को भी चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है। राज्यसभा के सदस्यों को भी चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सदस्य, सांसद सबके सब चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति में निर्णय लिया गया है इसी साल विधानसभा चुनाव हारे डॉक्टर अरविंद शर्मा, मोहन लाल बड़ौली, डॉक्टर अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव हारी बंतो कतारिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव हारी बंतो कतारिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना करते हुए कई और बातें कही है। पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु राव, नरबीर और विपुल गोयल के साथ साथ कृष्ण कुमार वेदी और कविता जैन और मनीष ग्रोवर को भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं, खासकर जो सांसद रहे हैं और मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे, उन सभी को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हरियाणा में बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार कर कोशिश कर रही है कि अपने दम पर कुछ वोट लेकर आ जाए, जिससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा विधायक बीजेपी के बने। और बाद में आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन कमल के माध्यम से सरकार बनाई जा सकती है। हालांकि क्या सांसद के चुनाव लड़ने से कुछ समीकरण बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जताएगा। 1996 में BSP ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 सीटें जीती थी। इसके बाद से BSP से गठबंधन करने को लेकर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी काफी एक्टिव दिखाई देती थी, लेकिन अब 2002 में BSP को 1 सीट में सफलता मिली। उसके बाद से कभी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में खासकर BSP के साथ अलायंस करने के लिए आगे बढ़ेगी? NC पार्टी के साथ तो पहले ही अलायंस हो चुका है। साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीते दिनों पुलिस थाने पर हमले के मामले को लेकर पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भीड़ को पथराव के लिए उकसाने वाले आरोप लगाकर हाजी शहजाद अली समेत अन्य फरार आरोपियों के ऊपर इनाम की घोषणा की है। दोस्तों 10 करोड़ रुपए का जो घर जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, इसे लेकर भी काफी आलोचना की गई, क्योंकि जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर देता, केवल आरोप के कारण 10 करोड़ का घर गिरा देना और उसके बाद अब इनाम जारी करना कहीं ना कहीं दोस्तों कई सारे सवालों को जन्म देता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या इस पूरे मामले पर कोर्ट को संज्ञान भी लेना चाहिए? साथ साथ सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। मुंबई में सुभाषपा ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कई अहम फैसले लिए हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित सभी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने संगठन और सशक्त बनाने और अपनी विचारधारा को व्यापक रूप से आगे पहुंचाने के लिए संगठनात्मक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 48 सीटों पर उम्मीदवार पर उत्तर भारतीयों को महत्वता दी जाएगी। उनके वोटों से यहां पर चुनाव जीता जाता है, इसीलिए जरूरी है कि यहां पर सुभाषपा भी अपने कैंडिडेट को उतारे। क्या उद्धव ठाकरे की रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के नेता OP राजभर ने
ने कुछ दिनों पहले शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और उनके चुनाव यानी सुहेल देव समाज पार्टी के चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, प्रवासी वोट जो खासकर यूपी और बिहार से आने वाले लोग हैं उनके वोटों को डिवाइड करेंगे जिससे भाजपा को नुकसान होगा क्योंकि बीजेपी ज्यादातर प्रवासी वोटों को अपने साथ में रख लेती है। साथ साथ दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर जिले में देखा गया कि उद्धव ठाकरे गुट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस बीच दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। पुलिस ने पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया है। दोस्तों दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के आक्रमक होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इन सभी मामलों पर संभाजी नगर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये सब होटल के बाहर आदित्य ठाकरे का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। यह सब तब हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे कि दिशा सालियान के मामले पर आदित्य ठाकरे को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। सारे पुराने मुद्दों को चुनाव के मद्देनजर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक बयान देते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता ने करारा जवाब देते हुए कहा कि टपोरी वाली भाषा है, ज्यादातर सोशल मीडिया पर ट्रोलर ये भाषा बोलते हैं, उसी की कॉपी कर ली बतौर मुख्यमंत्री, बहुत ही हल्की भाषा है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। सांसद कंगना रनौत ने किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताया तो अब बीजेपी की ओर से केंद्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली से यह आदेश जारी किया गया। इस पर भाजपा के कई सारे समर्थक भी भड़क रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि भाजपा तो पहले किसान आंदोलन को लेकर इसी तरीके का स्टैंड लेती थी, अचानक से बीजेपी के स्टैंड में बदलाव क्यों हो गया। कंगना रनौत जैसा बयान तो बीजेपी पहले देती थी लेकिन अब कंगना रनौत के खिलाफ ही बीजेपी की ओर से टिप्पणी की जा रही है। इसका साफ मतलब यह है दोस्तों कि भाजपा अब जैसे तैसे 5 साल सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी सबसे न्यूनतम लेवल पर झुकने को तैयार है। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे सरकार चलती रहे, कोई सवाल न खड़ा करे। वहीं पर चिराग पासवान सरकार से बार बार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि चिराग पासवान सरकार का हिस्सा है, अगर सरकार इसे नहीं करवा रही है तो इसका मतलब है कि वो खुद नहीं करवा रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ बीजेपी के नेता राजा भाऊ पाटकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजा भाऊ पाटकर कल्याण पश्चिम के बड़े नेता है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि कल्याण के घर घर में पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी का संदेश सब लोग तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को सत्ता में लाने की हुंकार भर रही है और इसके लिए सारे बड़े नेताओं को साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर जोरदार फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं होता। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार है तो गलत है, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। निंदनीय बयान है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान की जमकर आलोचना की जा रही है। साथ साथ दिलीप मंडल ने 9 जुलाई 2022 को भी एक ट्वीट करते हुए कहा था कि ब्राह्मण हिंदुओं का मार्गदर्शक है, शिक्षक है हिंदू, उससे पूछकर शादी बच्चों का नाम रखता है। हिंदू समाज की हर बुराई, जातिवाद, छुआछात, आपसी टकराव, जलन सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, अशिक्षा, युद्धों में हार, हिंसा, गरीबी आदि के लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। यानी ब्राह्मणों के खिलाफ उनकी ये टिप्पणी फिर से सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं दोस्तों। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि क्या प्रोफेसर दिलीप मंडल इस ट्वीट को डिलीट करना भूल गए हैं। दिलीप मंडल को भाजपा सरकार में बड़ी नियुक्ति मिली है तो उसके बाद से वो लगातार अपने पुराने ट्वीट को डिलीट मार रहे हैं और इसके बाद उनसे पूछा जा रहा है क्या इस ट्वीट को भी डिलीट करेंगे, क्योंकि उनके पहले की विचारधारा अलग होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी से नियुक्ति मिल गई है तो अपने विचारों को ही पलटी मारते हुए पुराने ट्वीट को भी डिलीट कर दे रहे हैं। साथ साथ सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर ही हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। सितंबर के पहले सप्ताह में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चल जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट मैदान में उतरा हुआ है। साथ साथ धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद भीलवाड़ा शहर का माहौल गर्मा गया। पिछले 2 दिन से सड़कों पर लोग उतर आए। सोमवार को भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई है दोस्तों। परशुराम सर्किल पर लोग जुटे, यहां से कलेक्ट्रेट की ओर भीड़ बढ़ने लगी। फौरन पुलिस एक्टिव हुई और लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया गया। परशुराम सर्किल का प्रदर्शन जारी है, अभी भी बताया जा रहा है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था और ऐसे में इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिख कर, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार चल रही है दोस्तों। साथ ही साथ दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं चंपई सोरेन। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, कहा उनके बीजेपी में आने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। यानी झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन हर तरीके के ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, उन्होंने मुलाकात भी की थी। इसके बाद जब वो वापस लौटे तो शायद उनकी बातचीत नहीं हो पाई होगी, तो उन्होंने कहा कि वहां पर चश्मा बनवाने के लिए गए थे। यानी दिल्ली में उनका कार्यक्रम चश्मा बनवाने के लिए था, चश्मा का फ्रेम खराब हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। फिर 2-3 दिन के बाद माहौल ठंडा हो गया, तब जाकर उनकी दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की खबर सामने आ रही है दोस्तों। ये बात पूरी तरीके से तय है कि चंपई सोरेन बीजेपी में जाएंगे, लेकिन कहां बातचीत में मामला अटका हुआ है ये बड़ा सवाल है। साथ साथ राहुल गांधी ने कश्मीर के महिलाओं से चर्चा की है, उनके संघर्ष और सपनों को सुना है। राहुल गांधी की ओर से 10 मिनट का लगभग वीडियो जारी किया गया है और एक शॉर्ट भी बनाया गया है जिसमें महिलाओं के संघर्ष और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रितों और तलाकशुदा महिलाओं, दिव्यांग अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और बेहतरी में मदद करना है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना
शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सोमवार को यह बयान जारी कर दिया गया है। साथ साथ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के आभार प्रकट करने के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि समाज की 90% जनसंख्या अर्थात पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का आपस में पूरी तरीके से जुड़ जाना ही सामाजिक न्याय की क्रांति होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा बीएसपी प्रमुख के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव ने विरोध जताया था, जिसके बदले में मायावती ने उनका आभार प्रकट किया था। अखिलेश यादव का यह बयान सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के उस बयान के कुछ घंटों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 1995 में राज्य के अंदर अतिथि गृह के एक घटना का जिक्र किया था, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया था, जिसमें मायावती के ऊपर गोली चलाई गई थी। दोस्तों, हालांकि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले ही बयान देकर इसकी आलोचना कर चुके हैं। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार एक बड़े मिशन के तहत काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर महायुति के नेताओं को जिस तरीके से अपने पाले में किया है, उसी का रिपीट एपिसोड यानी मिशन तुतारी अब विधानसभा चुनावों के पहले भी देखने को मिल रहा है। तुतारी शरद पवार की एनसीपी का चुनाव सिंबल है। लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन को चौंकाते हुए 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सिर्फ एक रायगढ़ की सीट मिल पाई, इसलिए शरद पवार गुट को 8 सीटों पर जीत मिली तो उनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई है। दोस्तों, धीरे धीरे करके कई और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उनका ज्यादातर ध्यान पश्चिम महाराष्ट्र की ओर है और ज्यादातर बीजेपी और अजित पवार गुट के नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं। मिशन तुतारी का यही पूरा एक कार्यक्रम है। साथ साथ दोस्तों, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदम्बिका पाल लखनऊ पहुंचे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जगदम्बिका पाल से मुलाकात की है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडियन फिरंगी महल में भी मिले हैं। मौलाना खालिद रशीद के साथ मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात हुई है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के सिलसिले में यह मुलाकात की गई है। वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पहले विरोध जताया था। इस पूरे मामले पर बातचीत की जा रही है, क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले जैसे कानून लेकर आती थी कि अचानक से बिल पास करा दिया जाता था, क्या वैसे ही कोशिश की जाएगी? क्योंकि सवाल तो उठते हैं दोस्तों, और बीजेपी जबरदस्त तरीके से दबाव में है, यह बात भी अब दिखाई दे रही है, लोगों से पूछा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, DDCA के प्रेसिडेंट रोहन जेटली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अरुण जेटली के बेटे को अब BCCI का सेक्रेटरी बना दिया गया। इससे पहले अमित शाह के बेटे को सेक्रेटरी बनाया गया था। अमित शाह के बेटे जय शाह ICC चेयरमैन बनाए गए हैं, यानी क्रिकेट के सबसे बड़े बोर्ड के सबसे बड़े प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। अरुण जेटली के बेटे को BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि परिवारवाद के तहत इन नेताओं को जबरदस्त तरीके का एक प्रमोशन मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रेपिस्ट को सजा देने के लिए एक कड़े कानून की मांग की है, जिस पर सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी को उनके पत्र का जवाब दिया गया। इस पक्ष के माध्यम से केंद्र सरकार ने सीएम ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में लिया है। दोस्तों, उन्होंने 7 पॉइंट भी बताए हैं। केंद्र सरकार की ओर से अनुपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य ने शेष 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जबकि राज्य में रेप और यौन उत्पीड़न और बच्चों का संरक्षण कानून पॉक्सो के तहत 48,000 मामले लंबित है। सीएम ममता बनर्जी को लेकर और भी सवाल खड़े किए गए हैं। टोटल 7 सवाल उल्टा भारतीय जनता पार्टी की मंत्री की ओर से ममता बनर्जी से पूछे गए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक दूसरे पर ब्लेम चल रहा है, लेकिन कौन फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द बनाएगा और कौन महिलाओं को न्याय दिलवाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवाओं में तैर रहा है। कोई भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। साथ साथ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक बोले, कहा यह है बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा। जिस पवित्र आंदोलन में 750 किसानों ने शहादत दी, उस पर बीजेपी के सांसद कीचड़ उछाल रहे हैं। बलात्कार और हत्या के आरोप सरासर झूठ है। यह किसानों को बदनाम करने का घटिया षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी इस बयान की कड़ी आलोचना करती है, कड़ी निंदा करती है। मोदी जी और भाजपा सांसद को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शासक कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश अभी भी जारी है। CBI हर एंगल को लेकर जांच कर रही है। दोस्तों, ऐसे में जिस संदीप घोष का करप्शन की FIR में नाम, उसका CBI को क्यों करना पड़ा दूसरा पॉलीग्राफी टेस्ट, ये सवाल पूछा जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। दोस्तों, कई सारे मामले बंगाल को लेकर अभी भी सामने आते जा रहे हैं, जिस पर CBI के द्वारा जांच किया जा रहा है। क्या जांच इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर कोई रिपोर्ट भी अब सामने आएगी? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि CBI को अब अपना रिपोर्ट देना चाहिए और जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सीटों पर पेच फंस गया था। दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, तो ऐसे 5 सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। सोपर के साथ साथ बनिहाल और भाडेरवा के साथ साथ डोडा और नगरोटा के अंदर गठबंधन की दोनों पार्टी कांग्रेस पार्टी और NC की ओर से उम्मीदवार उतारा जाएगा। यहां पर सहमति नहीं बन पाई है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ बने रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन तेजी से पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।